सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की इस वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि गाइज जब आप इंस्टाग्राम ऐप के अंदर अगर किसी को भी अगर आप मैसेज कर रहे हो और गाइज मैसेज सेंड करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे के साइड में अगर इनविटेशन सेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और जो गाइज टाइपिंग वाला जो ऑप्शन था वो गायब हो चुका है और उसके बदले में इनविटेशन सेंड और उसके नीचे लिखा हुआ है यू कैन सेंड मोर मैसेजेस आफ्टर योर इनविटेशन इज एक्सेप्टेड। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाले हैं। तो गाइज इस चीज़ को आप किस तरीके से हटा सकते हो, अगर गाइज आपका सामने वाला इनविटेशन अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप जो है ये नीचे वाले इस ऑप्शन को किस तरीके से हटा सकते हो, इस वीडियो में हम आपको इस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से सलूशन बताने वाले हैं। गाइज इसके आगे मैं आपको कुछ भी बताऊँ इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल तरीके से पीछे के साइड में आना है। कुछ इस तरीके से पीछे के साइड में आ जाने के बाद जिसके चैट में आपको इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वापस आपको उसके चैट को ओपन कर लेना है। इस तरीके से उसके चैट को वापस से ओपन कर लेने के बाद ऊपर के साइड में उसका जो भी DP होगा गाइस सबसे ऊपर के साइड में जहाँ पर उसका यूज़र नेम लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है उसके ठीक बगल में जहाँ पर उसका DP दिख रहा होगा आपको उसके ऊपर यानी कि प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से गाइस अगर उसने स्टेटस लगाया होगा तो आपको स्टेटस देखने को मिलेगा और वापस से जो है आपको उसके प्रोफाइल के पिक्चर के ऊपर जो है वापस क्लिक करना होगा और इस तरीके से आपको उसके प्रोफाइल के अंदर आ जाना है। उसके प्रोफाइल के अंदर आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपल तरीके से आपको वापस बैक चलना है, फिर से इस तरीके से बैक आना है और वापस से बैक आना है। इस तरीके से आप वापस से बैक जब आप आओगे तो यहाँ पर जो है गाइस आपका जो इनविटेशन सेंड वाला ऑप्शन था वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और वापस से आपको ये मैसेज वाला ऑप्शन जो है फिर से दिखने लगेगा। और गाइस कुछ इस तरीके से जो है आप इनविटेशन सेंड वाला ऑप्शन इस तरीके से हटा सकते हो। लेकिन गाइस इस वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप इनविटेशन सेंड वाला ऑप्शन किस तरीके से हटा सकते हो, गाइस इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन गाइस होता क्या है, गाइस ये एक प्राइवेसी की चीज़ है। आप इस तरीके से इनविटेशन सेंड वाला ऑप्शन तो हटा लोगे और वापस से टाइपिंग वाला ऑप्शन ला दोगे, लेकिन गाइस आप जब आप एक मैसेज सेंड करने के बाद जब दोबारा आप मैसेज सेंड करने जाओगे तो गाइस वो जो मैसेज होगा वो सेंड नहीं होगा, तब तक सेंड नहीं हो सकता जिसको कि आपने पहला वाला मैसेज सेंड किया है। जब तक वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक गाइस जो है आप दूसरा कोई भी मैसेज उसको आप नहीं भेज सकते। अगर आप भेजने की कोशिश करोगे तो गाइस वो जो मैसेज होगा वो जाएगा ही नहीं। इंस्टाग्राम पहले से जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और प्राइवेट हो चुका है। अगर आपको किसी से भी अगर बात करना है तो सबसे पहले आपको एक मैसेज करना होगा। गाइस जब तक वो आपके पहले मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक जो है गाइस आप दूसरा कोई भी मैसेज उससे भेज नहीं सकते हो, न ही जो है गाइस आप उससे बात कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप हर रोज़ देखने को मिलती रहे।